बारे में हम लोग डिस्कस करने चल, का नाम है हॉलवॉक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। देखिए ये 1886 से लेके 1902 के बीच की बात है। हॉलवॉक और फिलिप लेनार्ड ने जो है इन्वेस्टिगेटेड किया और एक जो है फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इन्होंने डिटेल दिया। अब देखिये यहाँ जो आपके सामने ये डायग्राम और जो चीजें लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें क्या है कि जिंक की एक प्लेट है और जिंक की प्लेट पर क्या है यूवी रेज आकर के यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है। एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। दो फॉइल यहाँ पे लगे हुई है, जब भी ये चार्ज होती है तो एक दूसरे को रिपल करती है, तो एक दूसरे से दूर होती है तो हमें पता चलता है कि चार्ज हो रही है। जब भी ये डिस्चार्ज होगा ऊपर से तो हमें क्या डिस्चार्ज हो रहा है। तो हॉलवॉक ने क्या किया, जिंक प्लेट और इन्होंने यूवी रेस को इस पर इंसिडेंस कराया और उनका था वो क्या था, देखिए ध्यान से। ये बोल रहे हैं कि अनचार्ज्ड, यानी कि ये प्लेट क्या होती है, अनचार्ज्ड हो जाती है इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव चार्ज है तो यूवी रेज इंसिडेंस होने के बाद क्या हो गई, ये अनचार्ज हो गई। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, हमें पता है न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज कब होती है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अनचार्ज हो जाती है अगर ये क्या है इनिशियली नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हो गया कि इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है और जैसे इन्होंने यूवी रेज इंसिडेंस कराई ये क्या हो गई, अनचार्ज हो गई। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज इस पर था वो निकल गया यहाँ से। पहला ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अनचार्ज हो गया अगर ये प्लेट पहले से नेगेटिवली चार्ज है तो। सेकेंड कंडीशन है पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है अगर इनिशियली क्या है अनचार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये अनचार्ज है और जैसे इस पर यूवी रेज आई इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या बोलते हैं मोर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है इफ इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज। अगर स्टार्टिंग में क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे इस पर यूवी रे जाएगी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों क्या था पॉइंट्स, इनका ऑब्जर्वेशन था हॉलवॉक और लेनार्ड का। अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड, इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जब भी यूवी रेज जिंक प्लेट पर आती है यूवी रेज इंसिडेंस होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है ना। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम के बाद, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि अफ्यू, यहाँ नीचे देखते हैं अफ्यू ईयर लेटर, एक मिनट इसको हम थोड़ा इमेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। आ गई भाई, ये है हमारा ये, चलिए अब आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अफ्यू ईयर लेटर लेनार्ड ऑब्जर्व व्हेन यूवी रेडिएशन। देखिए यहां पर क्या है, ये आप देखिए टोटल अरेंजमेंट, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है माइक्रो एम्पियर यानी कि जो एमीटर होता है माइक्रो में यहां लगा हुआ है, ये क्वार्ट्ज बल्ब है और इसके अंदर में देखिए ये एक प्लेट है दूसरी प्लेट ये है, एवैक्यूएटेड है ये और ये नेगेटिव है बैटरी की तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरी प्लेट क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी। देखिए क्या बोल रहे हैं, आप फ्यू ईयर लेटर लेनार्ड ऑब्जर्व व्हेन यूवी रेडिएशन अलाउड ऑन इमिटर प्लेट, इमिटर आपका ये है एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इंक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये, और दूसरा हमारा एनोड है ए क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या हो गया, करंट फ्लोज इन द सर्किट एज सून एज यूवी यानी कि अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन स्टॉप द करंट आल्सो स्टॉप, यानी कि क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये नेगेटिवली चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कि हमारी क्या हो गई, ये हमारी कैथोड हो गई, मतलब नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। यूवी रे जैसे इस पर इंसिडेंस हुई देखा गया यहाँ से करंट आसानी से फ्लो होना शुरू हो गया, लेकिन जैसे यहाँ से करंट को हटाया गया देखा गया करंट फ्लो होना भी बंद हो गया। तो 1900 में, ठीक है ना, 1900 लेनार्ड आर्ग्यूड दैट व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंस ऑन द इमिटर प्लेट इट कॉज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इन्होंने बताया कि जैसे यूवी रेज इस पर इंसिडेंस होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है आसानी से निकलता है, इट कॉजेज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकलता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट, यानी कि ए से क्या करता है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, दीज द सर्किट इज कंप्लीटेड अ करंट फ्लो, जैसे जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला सर्किट कंप्लीट हो गई, करंट यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो गया और इस तरीके से क्या होता है सर्किट कंप्लीट हो गई और करंट को हम लोग क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, हॉलवॉक एंड लेनार्ड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वॉज लेस अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू द कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या हो गया कि जैसे कह सकते हैं कि जब इस पर लाइट आना शुरू हुई तो उन पर एक क्या की फ्रीक्वेंसी थी, हो सकता है थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी रही हो लाइट की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो रहा हो, तो वो मिनिमम वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन इमिशन शुरू हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये टोटल हॉलवॉक और लेनार्ड का क्या था ऑब्जर्वेशन था, तो ये थोड़ा सा हमारा डिस्कशन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।